कानरो देखिए छोटे छोटे कुछ जीव यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर चहल पहल करते हुए। गैस ये देखिए कोरल फिश। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई जर्नी, एक और नई डेस्टिनेशन के आज के फ्रेश व्लॉग में मैं राजू गामित मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गाइस आज से हमारी सौराष्ट्र की टूर शुरू हो रही है। तो गाइस आज हम हमारे घर से निकल चुके हैं सौराष्ट्र की ओर, तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिक व्लॉग्स होने वाले है। तो मेरी चैनल पे आप नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इस वक्त हम सुबह सुबह में निकल चुके हैं, अभी सुबह के 7:30 बजे है। हम अभी जा रहे है बड़ौदा की ओर। हेतवी क्या कहेंगे हमारे आज के व्लॉग के बारे में? तो गाइस इस वक्त हम बारडोली से कोडोदरा की और आगे जा रहे हैं। आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो कि भरूच इंटरफेस से बन के तैयार हो गया है और आम जनता के लिए भरूच से रोड खुल गया है, तो इसी एक्सप्रेस हाईवे से हम आगे निकलेंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, हमारा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का जो बारडोली के पास इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, अभी तो पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। गाइस सूरत इंटरफेस तक अभी काम जारी है। ये इस प्रकार का ये बहुत बड़ा ये एक्सप्रेस हाईवे अभी बन रहा है, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, आगे का व्यू देखिए, इस प्रकार का ये पूरा नजारा है। तो नमस्कार गाइज, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गाइज इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हम भरूच इंटरफेस से हम एक्सप्रेस वे पर हम एंटर हो चुके हैं। तो गाइज ये प्रॉपर गाइज 6 लाइन हमारी साइड और 6 लाइन सामने की साइड, ये प्रॉपर 12 लाइन का ये बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर है। इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। आप आगे राजकोट है, जामनगर, भावनगर और अहमदाबाद, बड़ौदा जाना चाहते हैं तो आप इसी रोड से आप आगे जा सकते हैं। एकदम खुला रास्ता है, कुछ भी ट्रैफिक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, आराम से आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी रोड पर कहीं पर भी गाड़ी पार्क करना या खड़ी करना अलाउड नहीं है, आप नॉनस्टॉप इसी रोड से आप आगे जा सकते हैं। आपकी गाड़ी का स्पीड भी स्कैन करके डिस्प्ले शो करती है, तो आप जो भी रूल्स है उसी का आप फॉलो करना होगा। बहुत ही सुंदर ये रोड का नजारा है। दोपहर का खाना हमारा हो चुका है, अभी हम बड़ौदा से तारापुर होते हुए राजकोट की ओर आगे जा रहे हैं। बोरसद से आगे हम निकल चुके हैं। राजकोट कितना बजे पहुंचते हैं? अभी और 250 किलोमीटर के आसपास पूरा डिस्टेंस होगा, तो राजकोट पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो हमारी सौराष्ट्र की टूर है वो जामनगर से स्टार्ट होगी, तो इस प्रकार का पूरा रोड है। जामनगर में हूँ, कल शाम को ही हम जामनगर आ पहुंचे हैं। तो गाइस पूरा हमारा
तापी से जामनगर तक का पूरा डिस्टेंस 590 किलोमीटर का था। हम हमारे घर से सुबह में तकरीबन 6 बजे निकले थे और जामनगर आते आते हमें 6 बजे थे। तो गाइस आज हम जामनगर के आसपास जो भी गल्फ ऑफ कच्छ के अखात में जो भी छोटे मोटे टापू बने हुए हैं, जैसे कि नरारा टापू है और पीरोटन टापू है, उसी सभी टापू का आज हम विजिट करने के लिए जाएंगे। तो गाइस हमारा आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस मेरी चैनल पे आप नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो गाइस जामनगर का बाहर का व्यू आप सभी को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो राधिका होटल थी उसी होटल में हमने एक नाइट के लिए रूम ले लिया था। तो गाइस इस प्रकार का ये पूरा नज़ारा है। सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं जिसमें हमने गाड़ी पार्क की थी। ये गाइस इस प्रकार का नज़ारा है। अभी सुबह के बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। ये जामनगर सिटी का व्यू कुछ इस प्रकार आता है। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तुरंत हम निकलते हैं। अभी सारा लगेज हमारा पैक हो चुका है तो गाइस चलते हैं नरारा टापू। हम जिस होटल पर हम रुके थे यहाँ से अभी हम नरारा टापू का विजिट के लिए हम निकलने ही वाले हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पर है, थी उसकी मम्मी के साथ फोटो खिंचवाती हुई। साफ सुथरी कर ली है गाड़ी, रात भर पूरा धूल जमा हुआ था। तो इस प्रकार ये जामनगर का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। गैस इस वक्त हम नरारा टापू के पास हम पहुंच गए हैं। ये कच्छ का खात का समुद्र का पानी ये आसपास आप देख सकते हैं। तो गैस समुद्र जीवों का भंडार के रूप में ये नरारा टापू और पीरोटन टापू को जाना जाता है। तो गैस बहुत सारे कोरल्स और अलग अलग प्रजाति के समुद्र जीवों हम सबको देखने को मिलेगा। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस पहुंचते हैं। इस प्रकार का ये पूरा बहुत ही सुंदर ये रोड बना हुआ है, इसी रोड से आगे हम अभी जा रहे हैं। नरारा टापू मरीन नेशनल पार्क में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गाइस इस वक्त हम नरारा टापू के पॉइंट पर हम आ पहुंचे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां से जो गल्फ ऑफ कच्छ का पूरा एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइस बहुत सारे टूरिस्ट आगे तक पहुँच गए है, अभी हम जा रहे है। कौन कौन से समुद्र जीव हमें देखने को मिलेगा वो आगे पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुराना सा नाव, यहाँ पर उसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारी मछली, क्योंकि ये भैया अंदर समुद्र में से पकड़ के यहाँ पर लेके आए हो। ये गाइस देखिए ये कौन सी मछली है भैया? आप लोग बोलेंगे वही भाषा हम लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। गुजराती बोलो, कई मछली छे? आ कई छे? फराड़ी छे, ओडी छे, हां अने आ कानरो के ने कानरो। हां हां પછી આ કઈ કહેવાય? આ ફરાડી કહેવાય। હા હા અને આ છે ને કોઈ મછી છે ને એ છોડી છે। સિલ્વર કલર જેવી છે। જો 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 પકડી જો अच्छा हम थोड़े लेट हो गए हैं गाइस। गाइड ने बताया कि आप थोड़ा जल्दी जाओ क्योंकि अभी भर्ती आने वाली है। तो पानी समुद्र का पानी आएगा उससे पहले हमें पहुंचना है। वहां से आगे से हम पैदल चल के यहाँ तक आए हुए हैं और देखते हैं आगे पहुंचकर कि कौन कौन से समुद्र जीव हमें देखने को मिलेगा। तो गैस हमें ये एक क्रेप समय मिल गया है, ये ओ हो काटने के लिए उसको पीछे से पकड़ना पड़ेगा। बहुत बात रहा है।
आप उसके सामने सामने गाइस ये पूरा देखिए कच्छ का पूरा अखात, सामने आप बड़े बड़े जहाज भी आप देख सकते हैं, और ये पूरा समुद्र का ये छिसरा एरिया है। यहाँ पर आप ये दलदल वाला एरिया नहीं है गाइस, आप आराम से चल सकते हैं, कहीं पर भी फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे समुद्र जीव जो कि कोरल्स है ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए छोटे छोटे कुछ जीव यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर चहल पहल करते हुए, मछली के बच्चे हैं ये सारे। रुको भाई रुको थोड़ा, मैं आपको ले दूंगा। गैस ये देखिए कोरल फिश, ये कोरल है, सब कोरल के पास में यो बचने के लिए बैठी रहती है, तो उसे कोरल फिश के नाम से जाना जाता है। कच्छ ऑफ गल्फ का नज़ारा है, ये पूरा नरारा का एरिया है, बड़े बड़े जहाज सामने आप देख सकते हैं। तो गाइस भर्ती होने लगी है पानी जो, तो हम जल्दी जल्दी इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आगे तक फंसे हुए हैं। ओ गाइस ये पानी, अभी देखो पानी का बहाव ये आगे चलता हुआ, जब तक पानी आता है तब तक जल्दी जल्दी हम पानी के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत पानी आ गया, देखते ही देखते पूरा पानी भर गया। तो गैस थोड़ा आने में हमें टाइम लग गया, तो बहुत सारे ऐसे जीव जो कि हमें देखने को मिले हैं, और जो गोफर फिश है कुछ ऑक्टोपस है वैसे तो हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो गैस ये पानी भरने लगा जो देखिए गाइज, नरारा टापू का मेरा वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो बाय दोस्तों, जय हिंद जय। पूरा पानी देखते ही देखते भर गया ना।